हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। ठीक है, एसआई यूनिट की ऑफ मास किसको बोलते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। देखो, जनरली एसआई यूनिट जो मास होता है उसको किलोग्राम बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम एसआई यूनिट होता है। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इट इज 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ठीक है, अब ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। देखो, इसको एक और तरीका से डिफाइन किया जा सकता है। इसको जो किया गया था, ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो लिया गया है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एच टू बी 6.625070151 × 10⁻³⁴ व्हेन एक्सप्रेस इन द यूनिट जूल सेकंड। अब देखो, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से अगर लिया गया तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट एच के वैल्यू के बराबर था 6.62607 07015 × 10⁻³⁴। ठीक है, ये इसको जब लिखा गया तो ये एक्सप्रेस किया गया जूल सेकंड में। ठीक है, ये जूल सेकंड में जो कि इक्वल था, ठीक है, विच इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके इक्वल था। तो वहां पे मीटर और सेकेंड जो है उसको सी के टर्म में डिफाइन किया गया है और बाकी के जी है वहां पर। ठीक है, तो ये मतलब कि 1 kg को डिफाइन जो किया जाता है वो मास जो है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के बराबर है, इसी को डिफाइन किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।